बीते 5 अगस्त को किरनापुर वन विभाग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वन परिक्षेत्र किरनापुर अंतर्गत जंगल से लगे राजस्व के खेत में जंगली सुअर का शिकार किया गया है, जिसके पश्चात तत्काल वन परिक्षेत्र अधिकारी किरनापुर के द्वारा टीम का गठन करते हुए तत्काल मौके पर भेजा गया। इस दौरान मौके पर वन अमले के द्वारा देखा गया कि जंगली सुअर को झाड़ियों के किनारे काट कर पकाया गया है, जिसके पश्चात दबिश देते हुए खोजबीन की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि जंगल से पहाड़ी के रास्ते नीचे राजस्व खेत के अंदर वन्य प्राणी जंगली सुअर भटक कर खेत में आ गया था। खेत मालिक परमेश्वर पिता जयसिंह मरावी निवासी साले अपने धान के खेत में खाद का छिड़काव अपने साथी खेमनला पिता राधेलाल निवासी बक्कर के साथ कर रहा था। वहीं पर जंगल में अन्य दो आरोपी रवि पिता रामेश्वर एवं राधेलाल पिता मेहता ढीमर निवासी साहले टोला बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान परमेश्वर के बुलाने पर उक्त तीन लोगों ने परमेश्वर के खेत में अपने पांचवें साथी अखिलेश पिता डोलन सिंह की मदद से वन्य प्राणी जंगली सुअर को पहले हाका लगाकर पकड़ लिया, जिसके बाद पांचों ने निर्ममता पूर्वक कुल्हाड़ी की सहायता से काट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए एवं मांस को पकाया गया। उक्त घटना के बाद आरोपी परमेश्वर के निवास स्थान की तलाशी ली गई तो उसके घर से वन्य प्राणी चीतल के चार नग सींग, करंट फैलाने वाला 420 ग्राम GI तार एवं 14 मीटर बिजली के तार के साथ मांस काटने में उपयोग की गई लकड़ी एवं कुल्हाड़ी, जिस पर वन्य प्राणी सुअर का खून लगा हुआ था, के साथ बांट सहित खून से लसा हुआ लोहे का तराजू पाया गया। मामले में आरोपियों से पूछताछ करने पर उसके द्वारा वन्य प्राणी जंगली सुअर का शिकार करने का जुर्म कबूल किया गया, जिसके पश्चात उपरोक्त वर्णित आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2950 एवं 51 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16089 दिनांक 6/8/2022 को दर्ज किया गया, जिसमें वन परिक्षेत्र किरनापुर सामान्य के वन अमले के रूप में NKUK वनपाल, महबूब खान वनपाल, RS चौहान वनपाल, सुरेश निन्हावे वनपाल आदि उपस्थित थे।